आवाज नहीं है, हो गए लगता। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे 6 साल हो गए हैं रेडियो करते हुए, और मैंने जो सीखा है कि क्या बोलना है, इससे बेहतर मुझे रेडियो ने ये सिखाया कि क्या नहीं बोलना। आप जहां भी जाते हैं, जिस भी महफिल का हिस्सा होते हैं, जहां चार लोगों में आपकी पहचान होती है, वो आपकी बातें हैं, आप बात क्या करते हैं। और खास तौर पे वो इंसान बहुत असर छोड़ता है जब वो किसी महफिल से चला जाता है और उसकी बातें की जा रही होती है। आपके सामने जब लोग आते हैं, आप उसकी बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, असल बात ये है कि आपकी गैर हाजिरी में, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बात की जा रही है या नहीं। ये भी है, बात की भी जाती है, लेकिन वो किस वे में की जा रही है, इसका समझा जाना बहुत जरूरी है। सो मुझे रेडियो ने सिखाया कि मैंने लोगों के साथ बात कैसे करनी है, मुझे रेडियो ने ये सिखाया कि किस टाइप के लोग हैं, उनको किस तरह से टैकल करना है। अब जिस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जब भी जो जो आपके साथ जुड़ते रहेंगे, बात होती रहेगी, आप लोग होल्डिंग से बात रहेंगे, ये आप लोगों ने पहचान देनी है। आपने बताना है आपका लबो लहजा ये बताएगा हमें कि आप कहाँ से आए हैं, आपका लबो लहजा ये बताएगा कि अब तक आपने क्या सीखा है, और आपके बोलने का अंदाज हम पे असर छोड़ता है या नहीं, ये यादें हम यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। और हमें मजबूर कीजिएगा इस बात पे कि हम दोबारा आए और उस इंसान से हम बात करने की कोशिश करें कि जिसकी बातें हमारे दिल पे असर छोड़े। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा वक्त है आपके साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। अब तक तो हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज कुछ सिखाने भी आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आप तमाम लोगों से बहुत कुछ सीख के भी जाएंगे। सो हमारी उम्मीदों पे पानी मत फिरिएगा, बल्कि यूं ही साथ जुड़े रहिएगा, और हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे। जो लोग रेडियो का शौक रखते हैं, जिन्हें शौक है कि उनकी आवाज की ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर, जिस तरह हम यूट्यूब पे भी आपके साथ होते हैं, तो हमें दुनिया के बाहर से कोनों में लोग सुन रहे हैं। हमें भी लगता था कि जब पैसा बात मैं रेडियो कर रहा था और पैसा बात जिस चैनल से मैं आया हूँ, खैर यहाँ आके मुझे ये पता चला कि पैसा बात से बाहर भी बहुत से लोग हमें सुन रहे होते हैं। और बाजू का ऐसा होता है कि हम जब शो कर रहे हैं उस पार बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला पाते, और जो जो हमारे साथ जुड़ते जाते हैं हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं है, स्टूडियो में बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। सो इतने खूबसूरत चेहरे देखने मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के इस खूबसूरत से इवेंट को खूबसूरत बनाएंगे भी, और हमारा यूं ही साथ देते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अभी मैं चाहूंगा कि आज शिजा जब अपने ख्याल का इजहार करें, इसके बाद हम गाहे बगाहे आते भी रहेंगे, आपको सुनते भी रहेंगे, बहुत सारी अपनी सुनाते भी रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। जी आज शिजा कहते हैं, या मुझे बहन कहते हैं, मुझे इज्जत मिलती है ना, मतलब एक इंसान आपको जान
हम शादी को 38 इयर्स हो गए, 38 साल और 37 इयर्स से हम लोग एक बार गजल के हवाले से अगर आप में से कोई भी यहाँ पे सिंगिंग करना चाहे, वो चाहे कि अपना टैलेंट जो है गाने के हवाले से जरूर दिखाना चाहे तो जरूर आइएगा। तेरी पूजा की कसम खाई है, उसी दिन से मेरे आंगन में बहार आई है, आवाज बहार आई है। रात के पिछले पहर देखी दोबारा तुझको, तू नहीं तो तेरी तस्वीर चली आई है। क्या कितने बरसों से तड़प दिल में मेरी दीद ही दीद ही है, अब तो आधा के मेरी जान पे पड़ आई है। कह सका कुछ ना मगर ध्यान से गुजरा ना से, जिस घड़ी भेद खुला तू भी तमाशाई है। क्या बात है, देखिए ये होता है एक्सपीरियंस और ज्ञान की ताकत के बदले सभी जगह चलेंगे। अभी जो हो रहा है बाकी है, क्यों भी हम लोग इतनी बर्दाश्त कर लो। मैं मगर आप ही को सुनाना चाहे तो दो लाइन हो गए आपकी तरफ से, दो लाइन। कोई मुझे आगे मत बोलना, टाइम मेरे बेटा शौक है शायरी का, सुन लेती हूँ गावा करने के लिए। दो लाइन सुना देना प्लीज। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कहे शरारत और ये शोभी जरूर, मिला रही थी खड़ी कैसे धूप में मुस्कुरा रही थी खड़ी।
से मिला रही थी घड़ी, क्या कहा बंदगी को जाना है, अच्छा मुझको बुला रही थी घड़ी। जानती भी थी के मेरी नहीं वो, जानती भी थी के मेरी नहीं वो, वो फकत दिल लगा रही थी घड़ी। कुछ दिखा ना था ये ताल्लुक सबको, और कुछ आजमा रही थी घड़ी। मुझे सुना के अपनी प्रेम कथा, मुझे सुना के अपनी प्रेम कथा, वो मेरा दिल दुखा रही थी। जी मैं एक यार की तलाश में हूँ, जी मैं एक यार की तलाश में हूँ, जी मैं एक यार की तलाश में हूँ, नहीं ज्यादा उतारने मेरे, बस वफादार की तलाश में। जी मैं एक, ये शेर नहीं है बेसिकली, ये मुशायरा है, तो मैं सुनाना चाहूँगा आपको। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि इस धरती की बेचैनी बस पागल समझता है। दूर कैसा हूँ तुम से, दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी मेरा दीवानी है।
सुनाएं, क्या सुनाएं? खामोशी खामोशी। मैं आपकी मोहब्बतों के लिए दो शेर पेश करूंगा, मेरा गला खराब है और आपकी मोहब्बत के लिए दो शेर कहना चाहूंगा। ऐसा बार जब गुजर हो तेरा शहरे निगारा से, ऐसा बार जब गुजर हो तेरा शहरे निगारा से, तो भूलने वाले से कहना क्यों याद आया बहुत। जिनके मिलने की उम्मीद बहुत थी वो मिले तो यूं मिले, जिनके मिलने की उम्मीद बहुत थी वो मिले तो यूं मिले, हम नजर उठा के तड़प गए वो नजर झुका के गुजर गए। गुलाब की पत्ती से भी नाजुक था दिल मेरा, जमाने की ठोकरों ने उसे पत्थर बना दिया। गुलाब की पत्ती से भी नाजुक था दिल मेरा, जमाने की ठोकरों ने उसे पत्थर बना दिया। निकले थे के ढूंढ लाएंगे तुझे, तेरी एक तलाश ने उम्र भर का मुसाफर बना दिया। झील सी गहरी आंखें किसकी, भूल सा किसका चेहरा, काली ज़ुल्फ़े नागिन बन के तेरी किससे पहरा। झील सी गहरी आंखें किसकी, भूल सा किसका चेहरा, काली ज़ुल्फ़े नागिन बन के तेरी है किससे पहरा। पूछो के शायर दुनिया भर में कौन है ऐसा जी अरमान, मेरे ख्यालों में शायरी है इस सूरत मतवाली सी, नाजुक सी करनी सी मासूम सी बोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पता पता को थोड़ी ना दिल का दरिया बह ही